भोले बाबा। ये है रखाव नाग देवता जी का मंदिर। तो ये हमारा ओल्ड स्टाइल घर। गाइस इस बार देख सकते हो आप बिल्कुल जो हमारी पढ़ाई है वो बिल्कुल गड्डी के ऊपर। रखाव नाग की जय। रखाव नाग की जय। जय बोला भाई। पर इधर को तो पैक ही हुआ है, बट ऐसा है कि इधर से जो है बिल्कुल खुल गया है। गाइस देखो लोग हमारी मेहनत आज की, हमारी मेहनत आज की। तो फिलहाल गाइज हम अपने जो दो बंदे थे पीछे रह गए थे वो भी बिल्कुल आ चुके हैं। तो अपने अनुराग और पीयूष ये जो है अभी बर्तन धोने गए थे वहाँ पे परे। और आप लोगों ने देखा होगा पहले कि जब हम लोग वहाँ काली के पास गए थे तो वहाँ पे जो है किस तरह से मतलब बारिश शुरू हो गई थी भाई। और यहाँ पे थोड़ी देर जो है ना थोड़ी देर में तगड़ी बारिश हुई और मेरी पीठ जो है बिल्कुल गीली हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब जाना तो पड़ेगा भाई, घर भी जाना है, अभी नीचे और काम भी है। तो वो चीज़ भी आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाई जाएगी किस तरह से जो है वो चीज़ें होगी, क्या क्या होगा, और उस चीज़ के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और एक बार जो है आप लोग शिकारी कुत्ता देखें गाइस। तो ये जो डॉगी है ये बिल्कुल शिकारी है। तो ये ऐसा शिकारी है कि अन्नू का ही शिकार कर दिया था भाई इसने। टीका देखो तो डरा दिया भाई बंदे ने। क्यों अन्नू का टीका देखो भाई एक बार। तेरे कहलांते ना पाया हो भोले बाबा। ये थोड़े लेट प्रोसेस है भाई, पीछे वाले बंदे क्यों। सो भाई साहब क्या ही व्यू फाइनली गाइस हमारे बंदे जो है पीछे से बिल्कुल मतलब गेड़े गेड़े में चले। और इनका बढ़िया स्पोर्ट है मतलब आज ब्लॉग में फुल पावर जिसको बोलते हैं ना, बंदों ने मतलब बढ़िया स्पोर्ट किया आज के ब्लॉग में यार। अभी क्या है कि अभी हमारे को यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाना है अभी, और वहाँ पे हम लोग काटेंगे फिर पढ़ाई। तो पढ़ाई क्या होती है किसको बोलते हैं वो जो है हम लोग आपको थोड़ा आगे बताएंगे जब थोड़ा आगे पहुँचेंगे जहाँ पे उसको काटेंगे। तो बंदे सोचते हैं कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो मतलब आज से नहीं काट रहे हैं, वो बहुत काफ़ी पुरानी वो है रीति रिवाज है गाँव की जो कि मतलब देवता जी की है बढ़िया, तो जो कि वहाँ के लिए ले जाना ही पड़ता है मेले से पहले। मतलब जो नया साल है अभी आपका जो साजा था, तो वैसे तो इसको साजे वाले दिन लाते थे ठीक है, इस बार हम लोग जो है लेट हो गए थोड़े, आज आए हैं इस चीज़ के लिए, आज हम लोग इसको बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है किस तरह से होता है। तो अपने बंदे देख सकते हैं आप बारी बारी से, तो ये अपने खास बंदे हैं बिल्कुल जितने भी आ रहे हैं भाई। तो अभी तो ये फुल पावर चले हैं, आगे देखते हैं जब इनके कंधे पे पढ़ाई पड़ेगी। तो भाई साहब एक बार जो है आप लोग ये व्यू चेक करें, क्या ही प्यारा नजारा है इस जंगल का, अद्भुत जिसको बोलते हैं भयंकर। ओ भाई बंदा ही गिर गया क्यों अपना। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, इधर से जा रहा था क्यों, और शेप काम हो गया क्यों। चल कोई बात नहीं गाइस ये तो ट्रेला हो गया। चलो कोई नहीं, तो इसलिए कहते हैं भाई जब ट्रैकिंग पे आते हो तो जो आपके शूज़ है ना उसमें ग्रिप अच्छा होना चाहिए। तो अपने बंदे जो है बिल्कुल यहाँ से रास्ता भटक चुके हैं, तो ये अभी नए नए हैं ना थोड़े, तो इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में। और यहाँ पे बोर्ड लगा है देख सकते हैं आप लोग, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ इस तरह से। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों जो पेड़ है ना, पेड़ की जड़ है कुछ इस तरह की होती है। तो भाई ये जो दिख रहे हैं आपको ये लकड़ जितने भी है, तो ये सारी पेड़ की जड़ें हैं। और कुछ इस तरह का रास्ता है और कुछ इस तरह का जंगल है, व्यू कुछ ये रहेगा हमारा यहाँ का। तो यही है भाई फिलहाल, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने को, और आगे टास्क है हमारे सामने। तो ये पेड़ गिर गया होगा कभी, देख सकते हैं भाई इतना लंबा पेड़ है नीचे तक क्यों। तो अभी ये टास्क है हमारे को यहाँ पे इसको क्रॉस करना, किस तरह से करेंगे हम। तो ये हमने टास्क बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो
ये तो हमारा टास्क आज का। अब ये सोच रहा है कि मैं इसको बिल्कुल ऐसी वीडियो में लाऊंगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा यहाँ से। जो छोटी सी क्लिप है, तो इस रास्ते को देख सकते हैं भाई आप, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है। बाल जो है भाई बिल्कुल खराब हो गए, तो इसलिए मैंने कैप लगा के। अभी जो है फिलहाल दोस्तों बारिश बिल्कुल शुरू हो गई है, मतलब अभी तो ऐसे ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब देखना ये आगे की भाई हमारे को, मतलब बारिश आज जो हमारी पढ़ाई है, जो असली टास्क है, वो कंप्लीट होता है हमारा कि नहीं होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से फिलहाल नीचे को ही चले हैं, तो बस अब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे, और वहाँ से शायद हम लोग बिल्कुल पढ़ाई काटेंगे और फिर उसको नीचे तक ले जाएंगे। आज बोल रहे थे कि शायद उसको गाड़ी में ले जाना है, मेरे को नहीं लगता भाई वो गाड़ी में आएगी, क्योंकि वो एक तो बड़ी होती है, ठीक है। अब इतने बंदे भी हैं, अब देखते हैं बाकी क्या क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को बिल्कुल बता देंगे हम लोग कि कुछ इस तरह से ले जा रहे हैं। जैसे भी पूरा दिखा दूंगा मैं तो व्लॉग में, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह की लोकेशन पे अभी हम लोग जो हमारे बंदे हैं बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ से। तो कुछ एक बंदे वो बिल्कुल पीछे है। वाह यार क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के भाई, मतलब मोटा ही फील आ गया ब्रो यहाँ पे तो आज। तो यहाँ पे कुछ घास है नीचे, तो ये जो घास देख रहे हो, देख पा रहे हो आप, तो ये घास इस पेड़ से निकले होते हैं, ठीक है, और फिर ये कुछ इस तरह के हो जाते हैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, इसमें मतलब फिसलने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे रास्ते में जब भी जा रहे हो आप, तो थोड़ा सा मतलब देख के संभल के चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी बारिश आपको शायद ही दिख रही होगी कैमरे में, बट ऐसा है कि बारिश बिल्कुल अब तेज़ हो ही रही है, और मेरे बंदे जो है वो बिल्कुल गायब हो गया भाई आगे से। वो बंदे बहुत आगे पहुंच गए, अब मैं ही पीछे से बस जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो अब देखते हैं उनको मैं कहाँ पे पकड़ पाता हूँ। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं हम लोग और भी ट्रैक पे जाएं, तो अगर कहीं का बनता है हमारा तो ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं जो है बहुत जल्दी चीज़ें अपनी अपग्रेड करूँगा भाई साहब। अभी जो है मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग क्या ही प्यारी लोकेशन है भाई, ब्यूटी जिसको बोल सकते हैं। तो भाई साहब हर कुछ मज़ा आ गया यहाँ पे तो यार आज। तो अभी हमारे को कई जगह दिखेगी आगे ऐसी जहाँ पे इस तरह की ब्यूटी देखने को मिलेगी आपको। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल अच्छी, तो ये है अच्छी गांव। तो यहाँ पे भी कुछ एक घर है, और यहाँ पे जो है रखाव नाग देवता जी का मंदिर है। तो कैमरा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि इसमें पानी चला गया है। तो अब देखते हैं आगे जहाँ रेस्ट मिलेगा तो वहाँ पे इसका कुछ इलाज करते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं गाइस। सो दोस्तों देख सकते हो आप लोग एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया यहाँ पे, और जो ये है रखाव नाग देवता जी का मंदिर। तो ये भी है नाग देवता जी का मंदिर, और ये है गाँव यहाँ का। तो कुछ इस तरह का है, अपने सारे बंदे जो है वहाँ पे बैठ गए। तो गुप्त सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे जो है इस मंदिर में भी बिल्कुल हमारा मेला मनाया जाता था कहते हैं। तो अपने बड़े भाई बोल रहे हैं बाहर से कि यहाँ पे कभी मेला हुआ करता था, ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि एक ही छोटा सा मेला होता था यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोग ये भी मंदिर है भाई, जय रखाव नाग। तो ये हमारा ओल्ड स्टाइल घर, तो बहुत पुराना घर लग रहा है भाई। फाइनली दोस्तों लगभग अभी जो है हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारे को पढ़ाई मिलेगी। तो यहाँ से हमारे को कहीं से पढ़ाई काटनी पड़ेगी, और फिर देखते हैं। अभी तो हमारे कुछ एक बंदे जो है वो बिल्कुल आगे चले गए हैं, हम लोग ही पीछे रहे अभी। तो देखते हैं अब कहाँ जैसे मिलती है उनको पढ़ाई, किस तरह के लिए आते हैं। बाकी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा एक बार, पहले हमारे को पूरा काम करने दो, मतलब ढूंढने दो पहले उसको अच्छे से कौन सी ले आनी है। वो हर कोई नहीं काट सकते हम लोग भी, वो एक ही होता है सिर्फ, और वो मतलब सरकार की तरफ से होता है, मतलब कुछ ही ने इसका मतलब कि ऐसा कि मतलब अलाउ है, ऐसा नहीं है कि हाँ साल में एक बार वो अलाउ है। अब पता नहीं एक पेड़ है कि दो पेड़ है, बट ऐसा है कि अलाउ है। हम लोग तो ऐसा कि देखते हैं एक ही काटते वैसे हर साल, हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ नहीं आज तक, अभी दो तीन काटी है, एक ही काटी है बस। तो अब आज भी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और बस हम लोग उस लोकेशन पे बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको इधर दिखा देता हूँ नीचे का, तो कुछ इस तरह का है यहाँ पे, पीछे देख सकते हो आप बिल्कुल ये अपने बंदे, और ये भी बिल्कुल फन के साथ चले हुए हैं। अभी अन्नू जो है अभी थोड़ी देर पहले मतलब तगड़ा ही टैकल हो रहा था ऊपर, क्यों जो अपने बड़े भाई है वो उसको बढ़िया टैकल करते करते आ रहे थे ऊपर से। तो ये अपने बड़े भाई सरकार की तरफ से थी, नहीं सरकार की तरफ से इशू होती है, सरकार की तरफ से नहीं होती है, देवते के नाम के इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है।
ये माल को ले जा सकते हम देवते के नाम के। अच्छा, तो इसके पीछे का ये लॉजिक है भाई, सारा इलाका देवते का है, बिल्कुल इसको दिया जाता है यहाँ से एक बार हर साल। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। सो फाइनली दोस्तों, अभी जो है हम लोग धमा गाँव पहुँच चुके हैं और देख सकते हो आप रोड है यहाँ पे, और हमारी पढ़ाई जो है वो कुछ इस तरह की है। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया पढ़ाई, तो इसीलिए शूट भी नहीं किया अभी। और अभी हम लोग आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं गाड़ी में ले जाने की इसको। तो अब भाई जी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे अपनी, और देखते हैं अब हम इसको गाड़ी में डालने में सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं, मतलब ये गाड़ी में चले जाएगी या नहीं जाएगी, इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है हमारे को। तो अभी देखते हैं, और आप लोग बिल्कुल बने रहें हमारे साथ और इन्जॉय करते रहें इस ब्लॉग को गाइस। बस फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जो है हमारी पढ़ाई बिल्कुल गाड़ी पे लोड हो गई है। तो आधे रास्ते तक ही ले आएंगे हम इसको, ऐसे ज्यादा तो नहीं ले आएंगे। गाइस इस बार देख सकते हो आप, बिल्कुल जो हमारी पढ़ाई है वो बिल्कुल गड्डी के ऊपर, तो ये खतरनाक है। रखाओ नाग की जय, रखाओ नाग की जय, जय जय बोलावे। फाइनली दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों ने उतार दी अपनी पढ़ाई, और यहाँ से जाएंगे फिर से कंधे पे। देखते हैं अब यहाँ पे एक नया जुगाड़ किया जा रहा है। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है हॉस्पिटल के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया है, और मौसम जो है वो भी अभी बिल्कुल खुल चुका है, चारों चार बढ़िया धूप आ रही है अभी सामने से, और अपने बंदे बिल्कुल इधर उधर परे। और हाथ देख सकते, एक बार हाथ दिखाओ यार सब लोग, यहाँ नीचे करो जरा, ये देखो आप हाथ। तो ये है आज की मेहनत। सो गाइस देख सकते आप लोग, मौसम तो बिल्कुल खुल चुका है, बढ़िया मतलब खुल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, पर इधर को तो पैक ही हुआ है, बट ऐसा है कि इधर से जो है बिल्कुल खुल गया है। अब यहाँ से बस थोड़ा सा ही रह गया है बस नीचे तक का सफ़र, और फिर जो है हमारा टास्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग देख सकते हो आप बढ़िया मतलब एकदम रेस्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे लास्ट हॉल्ट है हमारा ये। Oh, what is that?
तक। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग अन्नू की शॉप के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कुछ भी नहीं है, बस अब कुछ मिनटों का रास्ता है वहाँ मेरे तक। तो अब तो अतुल भाई भी मिल गए यहाँ पे, हम तो उड़ा के यार। बाकी सुनो गाइस, वैसे तो ना हमारा टेक्नोलॉजी मतलब है भाई, जैसे कोई काज का साइज देख के रहा है, बहुत छोटी लिया है। तो आज दोस्तों देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल मतलब अपने बंदे बिल्कुल कांड करके आ गए। दिखा तो हाथ अपना शेक। तो जब इसको काट रहे थे हम लोग, तो अन्नू का जो हाथ है ये जोर लगा रहा था इसमें, तो हाथ जो है बिल्कुल पार लग गया इसका और इसके हाथ में। दिखा तो क्या हुआ। तो गाइस देखो लोग, हमारी मेहनत आज की, हमारी मेहनत आज की। चल कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, रिकवरी हो जाएगी जल्दी, है ना, टेंशन नहीं लेनी। अब फिलहाल यहाँ से अब आगे निकलेंगे हम लोग और फिर आप लोगों को दिखाते हैं गांव का नज़ारा। ये हमारी ठिंगरी बॉय, इन्होंने ये ही लाया वहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं आप। ये देखो आप, काम चोर बंदे बिल्कुल मतलब बहुत पहले आ गया वहाँ से नीचे दौड़ के। पेशेंट के साथ भेजा गया है हमारे, उससे अच्छा तो शेक कर रहा है वरना, जो कि बिल्कुल साथ दिया है इसने पूरा। क्यों तो यहाँ पे जो है दोस्तों देख सकते हो आप, बिल्कुल स्ट्रगल चला है।
तो दोस्तों जो आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह की पढ़ाई तो इस तरह से लगती है गांव में, बिल्कुल सेंटर में। और इसका क्या मतलब महत्व है वो मैं आपको मेले के दौरान बताता हूँ। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। और एक बार जो है व्लॉग को ज़्यादा शेयर करें।